कैसे आप टिकट बुक कर सकते हो, कितने के टिकट प्राइस है, बहुत सारा स्कैम वगैरह सब चल रहा है यहाँ पे। कोहली से मिले भाई, कोहली भाई गोला दे गए, इनोवा से निकल गए। पीछे ग्राउंड है उसमें आपकी बाइक पार्किंग होती है। होगा इतने ज्यादा भीड़ हो गए ना कि पूरे जो रास्ते देख रहे हो जितने हाईवे है ना, टिकट नहीं मिलेगा। कब मिलेगा टिकट? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज सुमित हियर एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल एसएसके व्लॉग। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है गाइस कि एकेना स्टेडियम में होने वाला है 29 अक्टूबर को मैच होने वाला है, और वो होने वाला है इंडिया और जो है इंग्लैंड के बीच में। तो गाइस मैं यहाँ पे आ गया आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि यहाँ पे कैसे आप टिकट बुक कर सकते हो, कितने के टिकट प्राइस है, और जो है कि कैसे आप जो है कि एंट्री ले सकते हो, किस गेट से आप एंट्री ले सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। देख सकते हो कि पीछे कितनी ज्यादा यहाँ पे लोग जो है कि टिकट वगैरह सारे लोग यहाँ पे बाय करने आ गए हैं। तो क्या इसका प्रोसेस है, कैसे आपको टिकट मिलेगा, वो सारी चीजें, चलो चलते हैं काउंटर पे। जो आप देख रहे हो ये अपना गेट नंबर 2, इस बॉक्स ऑफिस पे चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे टिकट हम लोगों को मिलता है या नहीं मिलता है। बाकी आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं टिकट लेने के लिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो कोई न्यूज भी चल रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है सोल्ड आउट, सोल्ड आउट। टिकट नहीं मिलेगा? कब मिलेगा टिकट? सोल्ड आउट, इसके बाद से मिलेगा ना, कभी तो मिलेगा ना। क्या बुक हो गया पूरा? अरे भाई ऐसे कैसे, ऑनलाइन मिलेगा टिकट? ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा, पूरा स्टेडियम फुल है। ऐसे मिनिमम प्राइस कितना था? 1500 और मैक्सिमम नहीं पता। जो टिकट की प्राइस मिनिमम प्राइस थी वो 1500 रुपए थी, और मैक्सिमम तो बता नहीं पाए भाई, चाहे बताना नहीं चाहते होंगे। बाकी यार टिकट तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मुझे लगा कि यहाँ पे टिकट मिल जाएगा। बाकी सारे लोग आए थे टिकट लेने के लिए तो बोल रहे हैं कि सोल्ड आउट हो गया, पूरा स्टेडियम फुल हो गया है। अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, 29 को मैच होने वाला है और अभी से जो है कि टिकट मिलना बंद समझ लो। ऑनलाइन भी टिकट अभी जो है कि नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन जो टिकट बुक किया है उन्हीं लोगों को यहाँ पे टिकट मिल रहा है। अरे भाई क्या कर रहा हूँ, इधर ही तो खड़ा हूँ। हाँ बताओ। इसका मैं आप लोगों को गेट दिखा देता हूँ, कई इसके गेट बने हुए हैं। ये गेट नंबर 2 है जहाँ से एंट्री अलाउ होगी। सो गाइज ये मैंने ले लिया है टिकट, ये अपना टिकट, ये गाइज। तो भाई ऐसे यहाँ पे टिकट वगैरह नहीं मिल रहा है, सोल्ड आउट हो गया है, और किसी तरीके से मेरे को मिला है 2 टिकट पे। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आकर टिकट मिलेगा तो नहीं मिलने वाला है, बस अभी सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं, किसी तरीके से ये टिकट मिले हैं। और टी शर्ट वगैरह मिल रहे हैं, ये देखो विराट के कैप मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टी शर्ट वगैरह सारे मिल जाएंगे। रोहित शर्मा, विराट, जिनके भी आप फैन हैं उन सारे लोगों को मिल जाएंगे। विराट के मिल रहे हैं, रोहित के मिल रहे हैं, और यहाँ पे फ्लैग भी मिल रहा है। यहाँ पे कैप वगैरह भी आप देख सकते हो, बहुत सारे कैप मिल रहे हैं। ये वाला कैप का कितना प्राइस होगा? कैप का 100 रुपीज में आएगा, और ये 200 में आएगा। ओरिजिनल लोबो वाला कैप है ये। अच्छा, इंडियन लोबो ओरिजिनल है ये, आपको सादा में आएगा ये 100 रुपए में आएगा। ये 100 रुपए में आएगा, बोम्बो आएगा ये 50 रुपए का है। ये बोम्बो 50 रुपए का, वो ये 200 रुपए का, मतलब कोई भी इसमें से टी शर्ट ले लो, किसी भी साइज का, कोई भी हो, साइज कोई भी है, 200 रुपया। फ्लैग का कितना बताया? फ्लैग का कितना? फ्लैग का 100 रुपया। 100 रुपये, ओके। क्रिकेट हमारा 29 अक्टूबर को होने वाला है, और आज ही से देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही है, और सारे लोग गाइस यहाँ पे आ रहे हैं बस टिकट लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन टिकट नहीं मिल रहा, जो ऑनलाइन लिए हैं वो यहाँ पे आके हार्ड कॉपी उसका ले सकते हैं, बस उसी लिए यहाँ पे काउंटर ओपन था। पे आपको गेट नंबर 2 पे जो एंट्री होती है, और गेट नंबर 3 इधर से आपको जाना पड़ेगा। तो इधर गेट नंबर 3 वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। यहाँ पे आ रहे हो ना तो जल्दी आना, 2 बजे से अगर मैच है तो आप लोगों को निकलना पड़ेगा 10-11 बजे, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा क्राउड होगा, इतने ज्यादा भीड़ होगी ना कि पूरे जो रास्ते देख रहे हो जितने हाईवे है ना, सारा हाईवे ब्लॉक हो जाएगा, पूरा एकदम जाम हो जाएगा, और आपको बाइक वगैरह ना बहुत दूर पार करनी पड़ेगी। बाइक वगैरह पार करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं प्लाजियो, प्लाजियो के पीछे एक ग्राउंड है उसमें आपकी बाइक पार्किंग होती है। तो आप जब भी मैच देखने आ रहे हो तो पहले टाइम से निकलो भाई, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम लगने वाली है। फिर बैंडाना भी मिल रहा है जिसको सर पे आप लगा के जा सको। कितने का होगा ये भैया? होगा 50 रुपए का। अच्छा, पहन के दिखा रहे हैं तो ऐसा लगेगा कुछ आप पहन के जाओगे तो। ठंडा भी नहीं लगेगा, गर्मी भी बहुत दूर से देख सके, स्टेडियम में जिधर बैठा रहेगा ना देख सके। तो सबसे ज्यादा किसका सोल्ड आउट हो रहा है यहाँ पे? विराट और रोहित, यही ना। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ गाइज, बहुत सारा स्कैम वगैरह सब चल रहा है यहाँ पे, एक तरीके से समझो कि ब्लैक टिकट यहाँ पे बहुत सारी मिल रही है। जो टिकट ऑनलाइन ऐसे उसका जो बेस प्राइस था 1500, यहाँ पे ब्लैक में भाई मैं देखा हूँ 8000, उससे भी ज़्यादा 16000, उससे भी ज़्यादा 18000, ऐसे ऐसे यहाँ पे यार चल रहा है गेम।
तो इसलिए टिकट मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर आप लोगों का कहीं से जुगाड़ हो पाए तो आप लोग जो है कि टिकट ले लो, बाकी काउंटर के भरोसे कभी ना रहो, क्योंकि इस मैच में काउंटर के भरोसे अगर आप हो तो फिर आप समझ लो बेवकूफ़ बन रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो यही आप लोगों से कहना है, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ब्लैक टिकट बेच रहे थे। एंट्री गेट है यहाँ पे 5, ठीक है, सारे एंट्री गेट से एंट्री होगी, बस एक गेट को छोड़ के। तो अभी मैं आ गया हूँ गेट नंबर 4 पे, यहाँ से अपनी एंट्री भी होगी। खाली खाली पूरा लग रहा है, ये देखो। तो अंदर पूरी तैयारियाँ चल रही हैं गाइस, पार्किंग भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। करके ये अपना प्लाजियो, प्लाजियो के मैं पीछे आ गए, यहीं पे अपनी गाड़ी आप पार्क कर सकते हो। ये यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, इतनी ज़्यादा भीड़ को पूछो नहीं है, सारा जो है कि पार्किंग इसी में होने वाला है, बाइक से या फोर व्हीलर से किसी से भी आप आ रहे हो तो। एंट्री इसकी इधर से नहीं होगी, इस साइड से नहीं होगी कोई भी एंट्री, सब हाईवे से उधर से आएंगे और वहाँ से जो आप लोग ये वाला छोर देख रहे हैं वहाँ से सीधे एंट्री होगी स्टेडियम गेट नंबर 3, और यहीं से हमारे सारे प्लेयर जो है कि यहीं से इंटर करेगी। पर ड्रोन नहीं लेके आ सकते आप, कैमरा नहीं लेके आ सकते, ये जो बंदूक वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें नहीं ला सकते। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे एक और चीज़ नहीं ला सकते हो, जैसे क्वाइन वगैरह रहेगा ना तो वो सारा रखवा लिया जाएगा, इसलिए क्वाइन वगैरह मत लेके आना। तो अभी इंडिया टीम यहीं पर अपनी प्रैक्टिस कर रही है इसने एक ना स्टेडियम में, और यहाँ से 8:30 बजे जाएगी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। वो दे रहा है क्यों ही वाला 90 मिनट के बाद वो कर दे रहा है। अभी यार दिन में भी साथ खुला था एक बार, आज में उसी दिन मिलेंगे, सिर्फ वो सोलह का टैग हट गया था। अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा, इसमें मजा नहीं आ रही है, बोल रहे थे कि 8:30 बजे अभी, अब आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा तब जाके टीम यहाँ से अपनी निकलेगी, तब जाके आप लोगों को दिखा पाऊंगा, शूट थोड़ा सा करूंगा। ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं, देख रहे हो इधर भी इतने सारे लोग है यहाँ पे वेट कर रहे हैं सारे लोग। और यहाँ पे गेट नंबर, ये गेट नंबर 3, और आप लोगों को दिखा देता हूँ ऐसे कि इधर से अपना स्टेडियम कैसा दिख रहा है, ये देखो। भाई धोखा दे दिया भाई तुम तो, पुलिस मिले, पुलिस मिले जाते हुए, पुलिस मिले भाई, कोहली भाई गोला दे गए, बी इनोवा से निकल गए, बस इंतजार करवा के यार सब लोग निकल गए, सब लोग यार वेट कर रहे हैं कि निकलेंगे देखेंगे, बस से जाएंगे और गोला देके चले गए सारे लोग। भाई बहुत किसी का ध्यान गया कि नहीं उस पे, विराट कोहली और शुभम गिल, अरे वो लोग बिना टीम को छोड़ के जाएंगे, टीम को छोड़ नहीं गए, गए भाई। विराट कोहली किस्मत में नहीं था हम सबसे मिलना, से आया प्रैक्टिस जब जा रहा था अंदर, तब भी देखे हैं 5 बजे, अभी उसको फिर से देखने के लिए यहाँ रुके हैं। लोग विराट का फैन है इतना, यहाँ वेट कर रहे हैं कि भाई निकलेंगे, वो गोला दे के चले गए इनोवा से। भाई साहब क्या ही बताए, इतना हूटिंग हम लोग किया इंडिया इंडिया, उसमें से एक पुलिस वाले हाय बोले थे, हम कहे भाई ये कौन है भाई, धोखा हो गया यार, धोखा हो गया भाई, स्कैम पे स्कैम भाई, क्या ही खेला खेल रहे। पुलिस आई है, पुलिस आके सबको हटा रही है भाई, एक कतार में खड़े हो गए सारे लोग, और टीम का अभी अता पता कुछ भी नहीं है, और हम लोग को पहले लाइन लगा दी 30 मिनट से, अभी 9:30 हो गए, बहुत वेट कर रहे थे यार बस का, ये देखो। कौन कौन था भाई उसमें? भाई रोहित शर्मा, जडेजा फ्रंट सीट पे थे भाई, रोहित शर्मा और जडेजा फ्रंट सीट भाई, भाई देख लिए वीडियो बनाए भाई, हमारे इंसाफ नहीं है। अरे यार तो बस गाइस यहीं तक वीडियो रहेगा, तो बस यही कहेंगे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ भी रहिए तालका मचाते रहिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय, टेक केयर। गणपत बजाना काय को बंद किया।